ये जो काला कानून आया, गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है? वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर कोई इंटेंशन कोई एक्सीडेंट करा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रियंका आर्या। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर की हड़ताल फिलहाल खत्म हो चुकी है। गृह मंत्रालय की लंबी बैठक के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया है कि कानून लागू होने से पहले ट्रांसपोर्टरों से बात की जाएगी। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रक चालकों की हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने हिट एंड रन से जुड़े नए कानून को काला कानून करार कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक वीडियो में बार बार हिट एंड रन के नए कानून को काला कानून बताया है और कहा है कि इस काले कानून को लाने की साजिश किसने की है। ट्रक ड्राइवर है, उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है, क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी, उनकी साजिश है या साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है उनकी साजिश के तहत ये हो रहा? क्या ये जो काला कानून आया इसमें वे ड्राइवर जो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रक गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है? वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं, जो कोई काम उनको नहीं मिल पाता तो वे गाड़ी चलाने का काम कर लेते हैं। वहीं राकेश टिकैत ने कार मालिकों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आज कार मालिक इस बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या ये कानून उन पर लागू नहीं होगा? क्या वे बाद में ही जागेंगे? काला कानून देश के छोटे परिवहकों को खत्म कर देगा। किसान नेता ने आगे कहा, अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन जब चालक भाग जाते हैं तो वो खुद को भीड़ से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर वो रुके या तो भीड़ उन्हें मार डालेगी या कानून उन्हें मार डालेगा। साथ ही राकेश टिकैत बोले, जब सलाह मशवरे के बिना कानून बनाया जाता है तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि BKU के राष्ट्र युवा अध्यक्ष अनुज सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स के पेज पर ये राकेश टिकैत का वीडियो पोस्ट किया है। बता दें कि हिट एंड रन के नए कानून में 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, जिससे नाखुश बस और ट्रक ड्राइवर ने नए साल पर ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह पर चक्का जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।